सभी दोस्तों का एनपी अपडेट्स में स्वागत है। और आज के वीडियो में 100 मोटरसाइकिल क्यों जलकर राख हुई, तमंचे और चोरी की बाइक के साथ एक गिरफ्तार, भाजपा पड़ गई है बलात्कारी थानेदार के पीछे, ओलाबारी से कहां का नुकसान, राज्यपाल के निधन पर एक दिन का राज्य अवकाश। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो पर हजारों की संख्या में लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है, हम हर एक कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, तो आपके सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। भिवाड़ी थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर कि एक अपराधी एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर जा रहा है, तो उसकी सूचना मिलने पर भिवाड़ी पुलिस थाना पुलिस ने नाकेबंदी की। नाकेबंदी के दौरान सामने से एक बंदा आता हुआ दिखाई दिया, उसको रोकने की कोशिश की तो वो बाइक लेकर रिको की तरफ भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके सिद्धोक सिंह सनोप गुरुमीत सिंह निवासी मुंडाना को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक तमंचा, 12 बोर का और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। खेड़ली थाने के अंदर एक 28 साल की युवती के साथ थाने के अंदर ही बलात्कार करने वाले बलात्कारी थानेदार भरत सिंह को परमानेंटली बर्खास्त करने की मांग को लेकर खेलड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया, हंगामा किया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब का पुतला भी जलाया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। वैसे इस रेपिस्ट भरत सिंह को जादौन के न्याय मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया और उन्होंने इसको फिलहाल जेल भेज दिया है। अलवर के थाना काजी लक्ष्मणगढ़ और भी कई क्षेत्रों में सोमवार शाम को ओले गिरे। लगभग 20 मिनट तक चने से ज्यादा बड़े आकार के ओले गिरते रहे। इस कारण से सरसों, गेहूं और जौ की फसल को नुकसान भी हुआ है। एसडीएम साहब नवनीत कुमार ने बताया कि किसानों को नुकसान का आकलन किया जा रहा है, उसके बाद प्रशासन कोई कदम उठाएगा कि इसमें कोई मुआवजा वगैरह की सूरत हाल बनती है या नहीं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह आज 85 वर्ष की आयु में परलोकगमन कर गए हैं। उनके परलोक गमन के कारण सरकार ने एक दिन का राज्य अवकाश घोषित किया है। कापड़ीवास मोटर कॉर्प पार्किंग में खड़े एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। पशुपति कंपनी के यार्ड में यह ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक के अंदर 100 मोटरसाइकिल, हीरो की 100 मोटरसाइकिल लदी हुई थी। ड्राइवर ने देखा कि ट्रक के नीचे आग लग गई है तो उसने बुझाने की कोशिश की। इस चक्कर में खुद ड्राइवर भी झुलस गया। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की 12 गाड़ियां आई और उन्होंने 3 घंटे मशक्कत करके इस ट्रक की आग बुझाई, लेकिन इस दौरान ट्रक में रखी हुई 100 बाइक जलकर राख हो गई। ट्रक भी लगभग पूरा जलकर राख हो गया। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।